एडल्ट एंजॉय योर विजिट. एडल्ट कितना सीजन पास है? 850 अ डे. पूछ ले बता रहे हैं. हाय हाउ आर यू? हाय. फॉर टू एडल्ट फॉर द डे? यप यप. ओके 1675. ओके ओ माय वॉलेट इज हियर. Oh boy. Here you go. Thank you. You're welcome. Have a good day. You too. Look at me, Jackie. Today at the park. Shuttle to the tip. Hmm? 10 a.m. to 5 p.m. 5 p.m. तक है. हम्म. फिर शटल भी जाती है ना टिप तक. तो मतलब आप बहुत दूर उस टिप तक ड्राइव. हाँ. अच्छा टर्टल भी है यहाँ पे. अच्छा. वॉच द 15 मिनट इंट्रोडक्टरी फिल्म शोन ऑन द. जी वी आर कैनेडियन रोड ट्रैगर व्लॉगर रियल्टर हेयर. जी ये हमारा क्या नाम है एक ट्रिप है जो हमने बनाया यहाँ से मिसागा से ऑलमोस्ट 4 hours की ड्राइव पे पॉइंट पीली नेशनल पार्क. तो बीच में शुरू में जितनी भी वीडियो मिसागा थी की थी जो मिल्टन के करीब की थी या गोल्फ की थी वो मैंने काफ़ी हद तक काट दी है. तब ये गैस स्टेशन पे हमें स्टॉप करना पड़ गया और यहाँ इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है. अच्छा जब आप इस तरह के अंटारियो ऑन राउट जो रेस्ट स्टॉप्स होते हैं इनके ऊपर अगर आप जब गैस भरवाते हैं तो यहाँ की जो गैस की प्राइसेस होती हैं तकरीबन 10 सेंट ज़्यादा होती हैं. और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आप जो टिम होर्टन है उसकी भी प्राइसेस जो है ना तो यू वॉन्ट बी सरप्राइज. तो बहुत ही लश ग्रीन और बहुत ही खूबसूरत सीनिक व्यू है अगर आप जाते हैं पर्टिकुलरली इन दिनों में. अच्छा ये बीच बीच में से जो है ना डिफरेंट क्योंकि काफ़ी मैं क्रॉस कर चुका हूँ. मैं तकरीबन लंदन को भी क्रॉस कर चुका हूँ इस वक्त. जब आप मिसागा से चलते हैं तो गल्फ आता है फिर वाटरलू कैम्ब्रिज जी किचनर और फिर वुडस्टॉक फिर लंदन. फिर लंदन के बाद की वीडियो तो मेरी शुरू से बन रही थी लेकिन मैंने उसको काट दिया है. तो ये देखें हम क्या नाम है चैटम और विंसर के करीब चैटम का इलाका शुरू हो जाता है और यहाँ से फिर ना साउथ में आपको तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव वो डर्ट रोड है. वो डर्ट रोड लेके गुजरना पड़ता है. अच्छा इस पे बड़ा ही सीनिक व्यू सेंस में भी कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के विंड मिल देखता हूँ. और जब मैं साउथ में हम जाएंगे आप देखिएगा गाड़ी जब आगे की तरफ बढ़ेगी तो आपको जगह जगह जो है ना ये विंड मिल इस तरह की जो है ना ये नज़र आएंगे. या फतीक किल्स जगह जगह साइन लगे हुए हैं उसके लिए. अब यहाँ से जो है ना मुझे ये डर्ट रोड शुरू हो गई. देखें ये छोटा सा पीस है कोई ज़्यादा बड़ा पीस नहीं है और लश ग्रीन है सारी क्या नाम है प्लांटेशन वगैरह और जितने भी ये खेत वगैरह थे वो सारे प्लांटेशन वहाँ पर हुई भी थी. अच्छा ये लेमिंगटन का इलाका कहलाता है और काउंटी जो बनती है इसको काउंटी ऑफ एसेक्स के नाम से है. कुछ पता नहीं लगता कि ये गांव है या शहर है क्योंकि इनके घर भी जो होते हैं गांव में जो होते हैं ये इनके जो विलेज होते हैं वो भी यहाँ से गालबन मुझे लेफ्ट टर्न करना पड़ेगा क्योंकि जीपीएस जो है ना बहुत ही अंदर घुमा के देख रहे हैं. सामने भी आपको विंड मिल वगैरह नज़र आएंगी और यहाँ अच्छा खासा लकड़ी का काम वगैरह जगह जगह जो है ना इनके टिम्बर के वो जिसे कहते हैं कि प्लांट्स लगे हुए थे जाकर लकड़ी वगैरह की कटाई वगैरह होती है या और ये टोटल जो है क्या नाम है हरियाली है चारों तरफ. समर का टाइम है मोस्टली जो है खेतों में जो बिजाई होती है जो क्या नाम है सीड्स की प्लांटेशन वगैरह हुई हुई थी अभी कटाई भी नहीं हुई है. ये देखें सामने क्या खूबसूरत बिलीव मी काश के अगर आप वहाँ खड़े होके इसको देखें तो यू विल बी सरप्राइज के हाउ क्लीन हाउ पीसफुल
ये इलाका, अच्छा ये लेविंगटन का इलाका आ गया, ये पूरा उसका साइन भी लग गया है। ये थोड़ा सा इस ट्रक ने मुझे काफी तंग किया था। अच्छा ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अब आप देखें कि क्या आप इसको गांव कहेंगे या छोटा टाउन कहेंगे या क्या कहेंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ ओंटारियो, और ये सदरन मोस्ट जो है ना, ये क्या नाम है, टिप बनती है। सदरन मोस्ट टिप इसलिए कि वहां पर नक्शा एक लगा हुआ था, वो मैंने लगाया नहीं है कि ये इक्वेटर, आई मीन इक्वेटर कह रहा हूँ, मैप के ऊपर ये इतना साउथ में चला जाता है कि वो लिस्बन और उसके इक्वल करके आ जाता है। ये देखिए ना, काउंटी ऑफ एसेक्स, म्यूनिसपैलिटी ऑफ लेमिंगटन, विंडसर यहाँ से जो है 66। अच्छा ये होता क्या है कि अगर आप मेन 401 पे हैं तो विंडसर जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको इतना नीचे जाना पड़ता है। बहुत ही पुराना चर्च था ये। यहाँ मैंने थोड़ी देर के लिए रुक के जो है ना गाड़ी, फिर मैंने इस चर्च को थोड़ा सा देखा था। मैंने कहा था लकड़ी का काम वगैरह जगह जगह इनकी, इस तरह की टिम्बर की वो बने हुए। अच्छा ये राइट साइड पे जो सारे है ना, ये कॉटेज है। यहाँ पर अगर आप एक रात के लिए रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ रुक भी सकते हैं। ये सारे रेंटल्स कॉटेज हैं। ये कॉटेज का बहुत रवाज है कैनेडियंस के अंदर, तो ये कॉटेजेस वगैरह है। और ग्रीनरी इतनी ज्यादा थी कि आप तस्वीर नहीं कर सकते। और एक चीज है कि यहाँ अगर आप जाते हैं तो आपको अपना वो लेके जाना है, क्या नाम है, खास तौर पे वो लेके जाएं मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह टाइप का, ये स्प्रे वगैरह लेके जाएं, क्योंकि उन्होंने काफी तंग किया था मच्छरों ने मुझे। लेकिन पूरे दिन की एक जगह है ये, बहुत ही खामोश बीचेस हैं। अगर आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को, ये सारे कॉटेजेस हैं राइट साइड पे जितने भी, ये सारे फॉर रेंटल के कॉटेज हैं। आप वीकली बुनियाद पे या डेली बुनियाद पे या वीकेंड के लिए ले सकते हैं। ये सारे देख रहे हैं छोटे छोटे जो है ना, एक कमरे दो कमरे के, गालबनी एक एक कमरे के कॉटेजेस है। इट्स वर्थ गोइंग प्लेस। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं। लाइन से सारे बीचेस है, और नीचे एक टिप सी बनी हुई है। अगर आप इसको गूगल करेंगे, इसको गूगल करें, पॉइंट पीले नेशनल पार्क इन लेमिंगटन, तो आप देखिएगा एक पूरी एक पेंसिल की तरह से, इस तरह की वेस्ट नहीं है फ्लोरिडा के अंदर, उस तरह का एक बना हुआ है। इट्स वर्थ गोइंग देयर। एंड मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ आया था। और अच्छा हाँ, उसके बाद जरा सा जब आगे जाएंगे आप, तो आपको शटल बस जो है ना, बिल्कुल लास्ट एक्सट्रीम टिप जो है वो फ्री है उसके अंदर। और यहाँ पर इसका अभी हम, मैंने उसकी ओपनिंग में भी डाला था, तो इसका तकरीबन 846, तकरीबन 16-17 डॉलर जो है दो आदमियों का वो बनता है। और इट्स वर्थ इट, इट्स वर्थ इट। चले वीर, मेरी वीडियो भी यहाँ पर अब खत्म हो रही है। तो वीडियो बहुत सारी अंदर की, लेकिन मैंने कहा कि इसको यहाँ पर खत्म कर दिया जाए। लश ग्रीन है ऑल द वे एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। चलें मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Oh.